हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यार, दिन धूप बहुत तेज है और अभी मैं ट्रैक से चलते चलते अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो गर्मियों में एज ए पॉइंट्समैन, गेटमैन, दिन में ड्यूटी करना ऐसे मेरे लिहाज से तो मुझे ठीक ही लगता है, अपने स्टेशन पे अच्छा लगता है। जबकि जब मैं दूसरे स्टेशन ड्यूटी करता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ काम का लोड ज़्यादा होता है, कभी कभी शंटिंग वगैरह भी हो जाती है। इधर तो शंटिंग नहीं होती है क्योंकि हमारे यहाँ स्टेशन दो ही लाइनों का है। वैसे शंटिंग हो भी सकती है इधर, कोई अगर काम रहे तो पड़े तो। अभी तो फ़िलहाल दो ही लाइनों का है तो ज़्यादा जगह है नहीं कि कोई गाड़ी आके स्टेबल हो जाए, तो क्रॉसिंग वगैरह के लिए ही होती है, कोई खास गाड़ियाँ रुकती नहीं है इधर। और बाकी NTPC CBD2 वालों के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आप लोग एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लें अपना टाइम से, नहीं तो फिर लास्ट डेट पे मेरी तरह मैं करता था, लास्ट डेट पे एडमिट कार्ड जिस दिन पेपर होता है उसी दिन डाउनलोड करने का सीन मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और मैं डाउनलोड कभी कभी नहीं भी कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है लास्ट टाइम पर डाउनलोड करना। और एक बात इंपॉर्टेंट, आप लोग जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को आप लोग संभाल के रखना, अगर आप लोग पेपर देके आ जाओगे तो उसको फेंकना मत या खोना मत, तो उसको संभाल के रखना, उसको उसकी प्रिंट आउट को, एप्लीकेशन फॉर्म को। और एग्ज़ाम सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ मत ले जाना जिससे दिक्कत हो जाए आप लोगों को, और हो सके तो मास्क वगैरह ले लेना, मास्क पहन के ही जाना, क्योंकि मास्क की वजह से भी बहुत सारे बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। तो बस एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती हैं एग्ज़ाम के साथ साथ। बाकी फ्री हो गया, आप अपना माइंड फ्री होके एग्ज़ाम दे के आए हैं, और फिर एग्ज़ाम के बाद आपका रिव्यू मिल ही जाएगा कि कैसा पेपर आया था, क्या आया था। तो लेवल 2 और लेवल 5 वालों का होगा इसके बाद। तो अभी उन लोगों का जैसे कि एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि जून के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है लेवल 5 और लेवल 2 वालों का, तो गैस वही उसी टाइम पे हो। तो अभी आप लोग लेवल 6 वाले बच्चे फोकस होकर तैयारी करें, 3-4 दिन जितने भी बचे हैं माइंड फ्री रहें, थोड़ा सा कम प्रेशर कम ही लें। बाकी ग्रुप डी के बच्चे अपना तैयारी रखें, तैयारी में लगे रहें। जुलाई में आप लोगों का भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जहाँ तक है हो ही जाएगा। और कुछ बच्चों की ट्रेन वगैरह में सीट से थोड़ा दिक्कत आ रही है बच्चों को, लेकिन देखने कुछ रूटों के लिए स्पेशल NTPC के एग्ज़ाम के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो आप एक बार चेक कर लें, अगर ट्रेन की टिकटें एक बार चेक कर लें आप लोग, फिर से अपडेट हो सकती हैं, क्या पता कोई नई ट्रेन आपके रूट के लिए चल रही हो, तो आप लोग चेक वगैरह कर ले, अपनी तैयारी कर ले। अगर आप लोग बाई बस जाते हैं तो उससे भी तैयारी कर लें, पता वगैरह कर लें कि कब कौन सी बस किस टाइमिंग पे है, बस पेपर छूटे ना आप लोगों का। बहुत दूर दूर सेंटर गए हैं आप लोगों के, मुझे बच्चे बता रहे थे काफ़ी दूर दूर भेज दिए हैं। तो बात चल रही है वैसे कि अगली बार जो अगले लेवल के लिए जो एग्ज़ाम हो इतना दूर ना जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं लेवल 5 में, तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा लगता है, तो पास में ही देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो आप लोगों से बात करते करते मैं अपने रूम की तरफ आ गया हूँ, तो धूप तो बहुत है, देख सकते हैं इधर से। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है इधर, गड्ढे वगैरह देख सकते हैं आप लोग, अभी ये रोड भी इलेक्ट्रिक हो जाएगा अपना वाला, तो ये सब गड्ढे उसी के लिए किए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग गाड़ी ना निकालें कभी, अब गाड़ी ना निकालें इस तरीके से, दिक्कत हो जाती है बहुत। टाइमिंग पे ज़रा संभल के आप लोग ऐसे गाड़ी पास करें, वैसे बहुत रिस्की है इस तरीके से गाड़ी पास करना। तो चलते चलते हम अपने कमरे की तरफ आ चुके हैं, तो कुछ आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्ज़ाम दें और सफल हों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे।